एबीपी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिगरेट को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या। नागपुर के अंबा शक्ति नगर का सनसनीखेज मामला। आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर देवेंद्र फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि महज 12 घंटे बाद ही रद्द कर दिया गया तबादला। और कल्याण में पुलिस को चौपर दिखाकर धमकाने वाले गुंडों को किया गिरफ्तार। गुंडों को पुलिस ने सिखाया अच्छा सबक। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में अंबा शक्ति नगर अजनी थाने की सीमा में शाम को एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक संदीप दुपार और दो लोगों के बीच सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हो गया। इस तर्क में ये बात सामने आई है कि आरोपी ने पत्थर मारकर संदीप की हत्या कर दी। नागपुर में सिगरेट को लेकर बहस करने पर एक किस्म की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी राकेश बालेश्वर और उज्जवल भिसेकर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ दो मामले पहले ही दर्ज है और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। रात्रि अंबा पुलिस अजनी हद्दीतील अंबा शिवशक्ति नगर येथे एक वेडसर इसम आहे संदीप दुपारे, त्याची रात्रीतून हत्या झालेली आहे। त्यामध्ये आपण आतापर्यंत तपासामध्ये दोन आरोपी निष्पन्न केलेले आहेत। तर त्यांच्यामध्ये ते सिगरेट मागण्याचा वाद झाला होता। सिगरेट मागितली त्या वेडसर इस्माने, मयत इस्माने, आणि सिगरेट घेतल्यानंतर त्यांनी त्यांना शिवीगाळ वगैरे केली होती। त्याच्यामुळं त्यांनी शिवीगाळ केली म्हणून त्याला मारहाण केली आणि ते वाळत जाऊन त्यांनी दगडाने त्याच्या डोक्यावर वार केल्याने तो तिथं मयत झालेला आहे। एकूण किती आरोपी आहे? आरोपीचं नाव काय आहे? यापूर्वीचा काही पासबुक रेकॉर्ड आहे का? कशा एकूण आतापर्यंत आमच्याकडे दोन आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। दोन आरोपी, एक राकेश बाहेश्वर आणि दुसरा उज्ज्वल भिसेकर आहे। राकेश बाहेश्वरवर एक NDPSचा गुन्हा दाखल आहे आणि उज्ज्वल भिसेकर याच्यावर पोलीस स्टेशन अजनी हद्दीत 2016 425 एक गुन्हा दाखल आहे आणि 2020 बेलतोरडीमध्ये 294506 गुन्हा दाखल आहे। सर, मृतक कसा होता? का मृतक हा वेडसर होता। त्याच्या घरच्याची आम्ही विचारपूस केली। त्या घरच्या आधी तर माहिती नव्हती ते कोण आहे काय आहे, तर त्याच्यानंतर आपण त्याला निष्पन्न केलं आणि घरच्यांना बोलवलं। त्यांनी सांगितलं की हा वेडसर होता, घरी राहायचा नाही आणि बाहेर फिरायचा होता। घटनेच्या वेळेस तो अंबा शिवशक्ती नगरलाच तो त्या परिसरातच फिरत होता। आजूबाजूच्या लोकांनाही आम्ही विचारपूस केली, त्यांनी म्हटलं की 7-8 दिवसापासून या परिसरात हा फिरायचा आणि रिकाम्या वाटल्या जमा करायचा। VKB न्यूज करिता नागपूरवरून रोशन बोकडे यांची रिपोर्ट। VKB न्यूज के लिए नागपूर से रोशन बोकडे की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने IPS अधिकारियों के तबादले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों का कल तबादला करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ को आदेश जारी होने के महज 12 घंटे बाद ही रद्द कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे पहले भी 10 IPS अधिकारियों के तबादले रद्द किए जा चुके हैं। ऐसी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस ने दी। प्रशासकीय चूक झाली आहे की मागच्या वेळेस जसं 10 आदेश DCP थांबवले आणि नंतरच्या बदली घोटाळ्यामध्ये आता ते CBIच्या स्कॅनरमध्ये आहे आणि वसुलीचा तो भाग होता असं देखील त्या काळामध्ये लक्षात येत आहे। तर असा काही प्रकार आहे की नेमका काय प्रकार आहे हे समजलं पाहिजे। कल्याण में उल्हासनगर की केंद्रीय पुलिस ने चिलचिलाती धूप में दो गुंडों को हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के अन्य अपराधियों को एक तरह से सतर्क कर दिया गया है। मंगलवार को दो गुंडों ने एक पुलिसकर्मी को चौपर से धमकाया था। इस पर ठोस कार्रवाई कर पुलिस ने गुंडों को सबक सिखाया है। कल्याण के कैंप 3 इलाके में मंगलवार की रात विमल कार शोरूम में आए मदनलाल राजपाल को दो गुंडों ने बहुत पीटा। इतना ही नहीं, इन गुंडों ने एक साधारण वेशभूषा में खड़े एक पुलिसकर्मी पर चॉपर दिखाकर उन्हें धमकाया।
जबकि यह घटना सीसीटीवी में पूरी तरह से कैद हो चुकी है। केंद्रीय पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही 2 घंटे बाद ही कासिम मोहम्मद अली खान और अरविंद गवले, इन दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको हथकड़ी लगाकर कड़ी धूप में घुमाकर प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से सभी द्वारा उनकी तारीफ की जा रही है। काल विमल कार मॉल मध्ये रात्री 9:30 सुमारास 2 लोकांनी चॉपर काढून तिथे धमकावलं होतं आणि त्यांना मारपीट करण्याचा प्रयत्न केला होता। त्यानुसार पोलीस स्टेशनला रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। याच्यातला एक आरोपी आहे अली म्हणून, कासिम अली म्हणून, त्यांनी त्याच्या पायावरून मोटरीचं चाक गेलं असा त्यांचा संशय होता। त्याच्यावरून त्यांनी त्याच्या मित्राला बोलवलं, अरविंद वसंत गवळेला, त्याला बोलवल्यानंतर त्यांनी चॉपर काढला आणि त्यांनी धमकावलं। अजून तिथं त्यांच्या फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार अजून 3-4 लोक आले आणि त्यांनी परत त्यांना गाडीला ठोस मारली आणि त्यांना धमकावलेलं आहे। त्यावरून राईट विथ आर्म्स ॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। 2 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, प्रमुख जे आरोपी होते त्यांना, आणि आज कोर्टात हजर करणार होतो। आणि आज रोजी त्यांना इथं स्पॉट कसा घडला, घटना कशी घडली, त्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी इथं आलो आहोत। एका आरोपीवर याच्या अगोदर 2 गुन्हे दाखल आहेत आणि आजचा 3रा गुन्हा दाखल आहे आणि एका आरोपीवर काही गुन्हे दाखल नाही। राईट विथ आर्म्स ॲक्टचे सेक्शन लावलेत, 143, 147, 148, 149, 323, 425 आर्म ॲक्ट। तिथं आमचे गोपनीयचे ASI पवार हे सिव्हिल ड्रेसमध्ये होते, ते घरी चालले होते ड्युटी संपल्यानंतर। त्यांनी ते घटना पाहिल्यानंतर ते थांबले होते आणि मग त्यांनी ते ताबडतोब घटना पोलिसांना कळवली होती, म्हणून ताबडतोब पोलीस इथे आले होते। 3-4 मिनिटात इथे पोलीस पोहोचले होते। गृहमंत्री पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। तबादला पुलिस महानिदेशक का विशेषाधिकार है, न कि एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे पूछते हैं कि नगर विकास विभाग का तबादला कौन से विधायक करते हैं? अच्छे पुलिस अधिकारी आएंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर ये तबादले हो रहे हैं और गृहमंत्री पर दबाव है तो वो ये पद त्याग दे। ऐसी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार ने दी है। पदव्यांमध्ये नापसंती पसंती हा प्रश्नच उपस्थित होत नाही। नियमाच्या चौकटीत सुप्रीम कोर्टाने कमीत कमी पोलीस विभागाच्या बदल्या कशा कराव्या यासाठी काही निर्देश दिले आहे। आता या निर्देशानुसार पोलीस महासंचालकाचा अधिकार आहे, हा एकनाथ शिंदेचा अधिकार नाही। एकनाथ शिंदेजी नगरविकासच्या बदल्या करतात तो कोणत्या आमदारांना विचारून करतात? तो या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 4 महिन्यात ज्या आयुक्तावर आरोप होते त्याला 4 महिन्यात पाठवलं, कोणत्या कायद्याच्या संदर्भात तुम्ही हा पाठवता येतं? तुम्ही काहीही कराल आणि तुमच्या मनाने पोलीस अधिकारी दिले नाही आणि जर चांगले पोलीस अधिकारी या भागात आले तर आपण अडचणीत येऊ या भावनेने जर हे काम होत असेल तर निश्चितपणे श्री गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आमचे मित्र आहे, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग त्यांच्या मतदारसंघात आहे। मी भगवान भीमासंगारच्या भीमाशंकराच्या चरणी प्रार्थना करेल की यांना शक्ती दे वळसे पाटकांना की गृहमंत्री म्हणून यांच्यावर दबाव असेल तर यांनी गृहमंत्री पद फेकून द्यावं। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आपका स्वागत है। भाजपा नेता गिरीश सोमैया पर लगे आईएनएस विक्रांत घोटाले के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि आईएनएस विक्रांत घोटाले के नाम पर जनता का पैसा लूटा गया है, जिसकी जांच अब मुंबई पुलिस कर रही है। यही नहीं बल्कि आईएनएस विक्रांत घोटाले के पूरे रुपयों का हिसाब भी लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसी दौरान संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना भी साधा। टीकाच करायला पाहिजे असं नाही, त्यांना जर देशाला काही संबोधन करायचं असेल तर ते त्यांचा अधिकार आहे, सरकार आहे त्यांचं। प्रत्येक वेळेला टीकेसाठी टीका आणि विरोधासाठी विरोध हे आम्ही कधी करत नाही। काल सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री असतील किंवा आमचे आदित्यजी असतील त्यांच्यावर माझी या विषयावर चर्चा झाली अयोध्या दौऱ्यासंदर्भात, आणि हळूहळू त्या दौऱ्या संदर्भातल्या जो कार्यक्रम आहे तो आकार घेतला, लवकरच आपल्यासमोर येईल। आय एन एस विक्रांत हे प्रकरण वाटते तितकं सोपं नाही आहे। बाहेर येऊन कोणी काही गमजा मारू द्या, आय एन एस विक्रांत हा एक मोठा घोटाळा आहे। आय एन एस विक्रांतच्या पैपैचा हिशोब घेतला जाईल। मुंबईचे पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखा सक्षम आहे। कोणी बाहेर येऊन बरं का काखा वर करत असले तरी बऱ्याच गोष्टी उघड्या पडतील भविष्यामध्ये, आणि किती कोणीही बाहेरून बडबड केली, लोकांना चुकीची माहिती दिली तरी प्रत्यक्ष तपासात काय निष्पन्न होतं याच्याविषयी माझ्याकडे माहिती आहे ना। होणार आहे विक्रांत घोटाळा लवकरच बाहेर जो आलेला आहे ना, त्या संदर्भात पोलीस कारवाई काय आहे, पोलीस काय करतायत, काय तपासात निष्पन्न होत आहे हे समोर येईल। मी जेव्हा हे माझे नुसते हवेतला गोळीबार नाही आहे आमचा शिवसेनेचा, आम्ही पुराव्यासह बोललेलो आहोत। राजभवनातले बाबुलगाव तालुका के सावर में कूलर की करंट की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। इस मृत बच्चे का नाम संकल्प अमोल धवले है। संकल्प यवतमाल में चौथी कक्षा में पढ़ता था, साथ ही माता पिता का इकलौता बच्चा था। संकल्प कूलर के बटन को बंद करके और कूलर में पानी के बुझे हुए दोनों छेद की सफाई करते समय उसे कूलर का झटका लगा। इसके बाद उसे यवतमाल के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया था। इस घटना से गाँव में हड़कंप मच गया है और शोक व्यक्त किया जा रहा है। कल्याण के कसारा रेलवे मार्ग पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। बुधवार रात करीब 9 बजे कल्याण कसारा रेलवे लाइन पर स्थित महागणपति के टिटवाला में ये गोलीबारी हुई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर हंगामा मच गया। इस घटना के बाद डरे हुए लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। टिटवाला में वाजपेयी चौक से बल्यानी तक सड़क पर रविंद्र आर्केड के सामने कुछ युवकों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। इसके बाद युवक के 2 गटों में फायरिंग हुई, जबकि बल्यानी रोड पर बंदूकधारी मौके से फरार हो गए। हमलावर चिल्लाए और टिटवाला थाने की ओर भाग निकले। फिलहाल ये गोलीबारी किसने की है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोलीबारी के बाद एक गोली सड़क पर पड़ी मिली। अमोल मिटकरी द्वारा ब्राह्मण समुदाय को लेकर दिए गए बयान के बाद हर स्तर से गुस्सा जताया जा रहा है, तो अभी इस बयान पर सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने भी प्रतिक्रिया दी है। मिटकरी का बयान एक शादी को लेकर था, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो ये दुख की बात है, वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी। उन्होंने इस विषय पर एक राष्ट्रवादी के रूप में बात नहीं की। मुंडे ने मिटकरी का अनुसरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, इसी बीच जाति और धर्म ने हमारे शरीर को छुआ तक नहीं है। धनंजय मुंडे ने बीड़ में कहा कि उन्होंने जो कहा वो व्यक्तिगत था, मिटकरी खुद समझाएंगे। गेली 1.5-2 वर्षापासून हा त्रास मला चालू आहे। यापूर्वीही त्यांनी
एक खोटी तक्रार माझ्या विरोधात केली, ती तक्रार परत वापस घेतली आणि ज्या काही गोष्टी मागच्या 1.5-2 वर्षांमध्ये झाल्या, ज्या काही मी सहन करत होतो, त्या तर सहनशक्तीच्या सगळ्या गोष्टी बाहेर गेल्यानंतर शेवटी मला पोलिसांमध्ये ही तक्रार द्यावी लागली आणि तक्रार देत असताना पोलिसांना माझ्याकडनं जे काही पुरावे द्यायचे त्या सगळ्या गोष्टी मी दिलेल्या आहेत. आता ही तक्रार पोलिसांकडे गेली आहे आणि पोलिसांनी जी काही लॉ विल टेक इट ओन कोर्स. आता याच्यामध्ये जे काय करायचं ते पोलिसांना करायचं. बीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज. नमस्कार.